सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और बार से आ चुके हैं हम CGK गेमिंग में, और एक और बार से हम लेकर आ गए हैं अपनी कंटेंट का वीडियो। तो आज हम क्लैश कॉर्ड सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, और ये बारी है P90 की। और आप सोच रहे होंगे P90 कैसे, क्योंकि वेक्टर और P90 दोनों ही सेम नंबर पर आती है, पर मैप का डिफरेंस होता। तो हमने डिसाइड किया, मतलब जो भी मैप आता है हम उसी का चैलेंज कर लेंगे। तो आप बताइएगा हमने सही किया कि नहीं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके कर लीजिए, और लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। चलिए अब हम मैच की ओर चलते हैं। और हम पहला राउंड हार चुके हैं गाइस, हम एलिमिनेट हो गए थे क्योंकि हम पहले राउंड में ले नहीं सकते थे। चलिए सेकेंड राउंड, यहाँ गलती से गाइस मैं वो स्कोप ऑन हो गया था, तो मेरे से बंद ही नहीं हो रहा था, तो भी मैंने कैसे कैसे बंदे को ले लिया, बॉडी शॉट से ले लिया। और काना MVP बन चुका है, मास्टर बन चुका है गाइस। और चलिए ग्लू ले लेता हूँ, मशरूम, ओके, वेस्ट भी ले लेता हूँ, मॉथ हार्ट। चलिए चलिए देखते हैं केल विल हो पाते हैं कि नहीं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या हमारा मतलब सब्सक्राइबर अब बढ़े ही नहीं रहे गाइस, कुछ करिए गाइस, कुछ करिए। अगर आप देखते हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा वीडियो को। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं, वहाँ बंदा है लेकिन लॉन्ग में डैमेज नहीं आया ज़्यादा, अप्रॉक्स 60 का डैमेज आया होगा शायद से। हाँ गाइस चलिए चलिए, हाँ तो गाइस काना ने यहाँ किल निकाल लिया, लेकिन अभी तक मेरा एक भी किल नहीं हो पाया है इस राउंड में। और यहाँ पीछे से मुझे डैमेज मिला, चलिए ग्लू लगा लेता हूँ, कवर कर लेता हूँ उस घर में सामने तरफ भाई। लेकिन मुझे अपने कैरेक्टर कॉम्बिनेशन गाइस समझ नहीं आ रहे हैं, आपको मतलब मैं शीरू यूज़ करूँ नहीं करूँ कि हायाटो यूज़ करूँ, और अभी तो फिर क्रोनो भी अपडेट के बाद जाने वाला है, तो फिर मैं वुकोंग यूज़ करूँगा गाइस। तो वुकोंग के साथ कौन कौन से मतलब सही बैठेंगे, अगर आपको इसकी भी वीडियो चाहिए कि मतलब वुकोंग कैरेक्टर के साथ कौन कौन से आप कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं तो बताइएगा, तो हम उसके भी वीडियो लाएंगे, है ना गाइस। तो वुकोंग के साथ कौन कौन से मतलब मैच करेंगे, और क्रोनो का कुछ तो जुगाड़ लगाने पड़ेगा। और भाई मैंने पहली बार, और यहाँ मैंने हेडशॉट दे दिया, चलिए बहुत सही। और मैंने पहली बार क्रोनो मतलब लिया था, तो मैंने पहली बार टॉपअप किया था, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम किया था गाइस। तो और इन लोग क्रोनो को बैन कर रहे हैं, इनको तो भाई मतलब बैन नहीं कर रहे लेकिन कैरेक्टर चेंज कर रहे हैं एबिलिटी, तो वो तो बैन ही है, मतलब समझ लीजिएगा एकदम फालतू हो गया है। 150 सेकेंड तक का एकदम स्पीड भी कम हो गया है, और पहले 9 सेकेंड रहता था क्रोनो का शील्ड, अब 8 सेकेंड ले ही है गाइस। और एकदम कितना तो बहुत ज़्यादा टाइम कर दिया, 150-150 सेकेंड कर दिए हैं अब इतना देर में क्रोनो, तो फालतू ही ना हो गया। और हमारी आदत है हर 40 सेकेंड में लगाने की गाइस, कोई नहीं वो कॉन्ग का देखेंगे हाथ सेट, मतलब अब क्रोनो के बिना खेलने में भी दिक्कत होगा। लेकिन अच्छी बात है कि गाइस ये बैन हो गया है, क्योंकि इसने गेम का पूरा बैलेंस बिगाड़ के रखा था। हाँ तो उस चरण में मैंने 2 किल आए थे, देखते हैं इस राउंड में कितने आ पाते हैं। उसको हेड है गाइस, लेकिन क्रोनो मार लिया, देखिए यही होता है, मैंने उसको हेड मारा, अभी उसको मतलब परमानेंट कवर में आना चाहिए, तो वो मुझे लालच देने के लिए देखिए गाइस क्रोनो मार दिया, यही अच्छा नहीं लगता है गाइस। क्रोनो को मतलब एक हिसाब से यूज़ करना चाहिए, किसी को चढ़ाने के लिए आपको क्रोनो ही नहीं यूज़ करना चाहिए। हाँ तो गाइस ग्लू लगा लेता हूँ, और यहाँ मेरे गलती से आगे ग्लू लग गया, तो भी मैं क्रोनो मार कर ले लेता हूँ गाइस। अब गाइस ऐसे मतलब ऐसे मूवमेंट में आप क्रोनो यूज़ करते हो तो सामने वाले को ज़्यादा बुरा नहीं लगता है, लेकिन अगर आप जैसे कि मैंने उसको 86 का हेड दिया, मेरे को चढ़ाने के लिए क्रोनो मार के कर रहा था, ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना गाइस, कोई नहीं क्या कर सकते हैं। और चलिए चलिए मेडी मार लेता हूँ, और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ मैंने 2 P90 ले ली, क्योंकि मेरे पास एमओ एक्स्ट्रा आ जाएगा, और डबल P90 वाली बात नहीं है, इससे कुछ होता नहीं है गाइस, सिंगल मैं P90 चलाऊँगा, मैं खाली एमओ के लिए मतलब डबल ले लिया हूँ।
और आगे बढ़ते हैं और कहाँ चले कहाँ चले। ओ एक एलिमिनेट हो गया हम लोग के, अब और किल नहीं हो पाएंगे। तो गाइस वैसे किल कम थे और ये बंदा ऊपर से एलिमिनेट भी हो रहा है। अब कोई नहीं देख लेंगे, चलिए चलते हैं उसके ऊपर, रश करते हैं उसको लेने का ट्राई करेंगे। यहाँ सक्षम नॉक हो गया है और कान्हा ने यहाँ एक बंदे को नॉक कर दिया है, लेकिन सामने यहाँ एक और बंदा है उसे मैं नॉक कर देता हूँ बहुत हार्ड। ये आखिरी किल मैं निकालने का ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं मेरे हाथ आता है कि नहीं। और यहाँ काने ने मार दिया और उसने डबल किल कर दिया, तो उतने मतलब मेरे भी 5 है उसके भी 5 है। तो चलिए गाइस अच्छे खासे किल मतलब नहीं बोल सकते लेकिन किल तो हो गए ना गाइस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और जैसे आपके स्क्रीन पे आ रहा है सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबा दीजिएगा और चैनल को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।